So, ladies and gentlemen, our first contestant is waiting in the wings as I speak. Everyone go, ooh. Ooh. Everyone go, ah. Yeah, that's very nice. You made it like young, like teenage. 3 seconds. Yeah. His name is Gurbachan Singh Chadha. He was a mathematics lecturer in Shimla. Yeah? Mathematics in Shimla, what does that mean? He counts mountains? He's also a businessman. He won the Entrepreneur Award in 2003. But is he a funny man? We're going to find out this evening. A big round of applause for Gurbachan Singh Chadha. Namaste, Salaam Alaikum, Sat Sri Akaal, email to all. मेरा दोस्त पूछने लगा, मैं दोस्त से पूछा भाई तुमने ईमेल पे तुम शादियां कराते हैं, कहते हैं 30% हमारी शादियां ईमेल पे होती हैं. मैं कहा हमारी तो सब शादियां सिर्फ फीमेल से ही होती हैं. जब मैं यहां आ रहा था तो मेरी कार का टायर पंचर हो गया, तो मैं टायर चेंज कर रहा था. दो आदमी ऊपर से आ गए, कहते लगे सरदार जी अगले टायर आप ले जाओ, पिछले हम ले जाएंगे. और मैंने कहा ये तो मेरी अपनी का. मैं कहा व्हाट यू मीन, कहता है भाई दो अगले आप चुरा लो, पिछले हम चुरा लेंगे. मैं कह ये तो मेरी अपनी कार है. कहते हैं फिक्र ना करो, ऊपर से कोई और आदमी आएगा उसे भी हम बोलेंगे ये हमारी अपनी कार है. तो जब मैं आ रहा था कार में तो मेरी आंख लग गई. तो आंख लगी तो जब यहाँ शो के लिए आ रहा था तो सपने क्या देखा, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन जा रही है छका छक छका छक छका छक छका छक. ओ माय गॉड, थोड़ी देर में ना रेलवे लाइन से उतर कर ना मोटरवे पे छका छक छका छक छक, इतना फिर फील्डों में, फिर समुद्रों में शाँ शाँ शाँ. हमने कहा सब पैसेंजर कहने लगे ये तो मार ही देगा ड्राइवर, ये क्या कर रहा है. फिर वापस आ गई मोटरवे पे, फिर जा रही थी ठगा ठग. इतने में ना वहाँ कोई टनल थी, उसमें इंजन फंस गया. तो जब ट्रेन रुकी तो सभी आदमी ना पैसेंजर उसे मारने के लिए भागे. तो वो ड्राइवर खुद ही उतर के आके ना हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता भाइयों तुम भी बताओ मैं क्या करता. तो सब कहता मार लेना, पर मुझे आप बताओ मैं करता. मेरे इंजन के आगे ना बकरी आ गई थी. तो सब ने बोला भाई बकरी को मार देना चाहिए था आपको. कहता है यही तो कोशिश कर रहा था, जिधर वो जाती थी उधर ही मैं लाइन ले जाता. जब मैं शुरू में इस कंट्री में आया ना तो मुझे हम एग्ज़ाम के लिए बैठे, तो जैसे ही पेपर आया क्वेश्चन पेपर, तो अपना मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, वो कपड़े उतारना शुरू कर दिए. मैंने कहा भैया आप कपड़े क्यों उतार रहे हो, तो कहती है मिस्टर सिंह कांट यू रीड द क्वेश्चन पेपर. मैं कहा ऑफ कोर्स आई कैन रीड द क्वेश्चन पेपर. कहते हैं शी सेज इट्स क्लियरली रिटन आंसर इन ब्रीफ. तो जब मैं यहाँ आया तो फोर लड़की, तो पहली डॉक्टर थी. मैं कह इससे शादी नहीं करूँगा, शी विल से सी मी बाई अपॉइंटमेंट्स. दूसरी सी बैंक मैनेजर्स, मैं कह इससे शादी नहीं करूँगा, शी विल से स्टैंड इन द क्यू. तीसरी थी टेलीफोन ऑपरेटर, मैं कह इससे शादी नहीं करूँगा, शी विल से होल्ड ऑन. चौथी थी टीचर, विच इज़ ट्रू. तो मैंने कहा इससे शादी करूँगा, तो सब ने कहा स्टूपिड व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड विद अ टीचर. मैं कह अगर एक बारी किस करूंगा ना, शी विल से डू इट अगेन रिपीट इट यू कुड डू दैट. एक आदमी मर के ऊपर गया तो भगवान ने पूछा आपने कितनी शादी बनाई, कहती है उन्हें बोला एक, कहता है गो टू द हेल. दूसरा आया तुमने कितनी शादी की, कहता है दो, कहता है गो टू द हेवन. तो पहले ने प्रोटेस्ट किया मैंने एक शादी की मैं हेल में और ये हेवन में, तो परमात्मा कहने लगा ये दो बीवियों में ना नरक भोग आया इसे आप स्वर्गों की. एक आदमी ना एक औरत घर में ले आया, तो अचानक उसकी मेड ने देख लिया. तो आदमी पास क्या हथियार होता है, पैसा. उसने 50 पाउंड का नोट निकाला और मेड को बोला हेयर 50 पाउंड नोट, डोंट टेल माई वाइफ. सभी करते हैं तो साधारण बात सभी. तो मेड कहती है नहीं नहीं 100 पाउंड दो. तो वो कहने लगा भाई 50 पाउंड बड़े हैं मुंह को चुप रखने के लिए. मेड कहती है वो बात नहीं, जब आपकी वाइफ ऐसा काम करती है वो हमेशा 100 पाउंड. तो मेरे दोस्त ने ना एक दफ़ा अपनी वाइफ को मजाक के तौर पर चिट्ठी लिखी, भाई इस महीने मुझे वेजेस नहीं मिली, उसके बदले तुम्हें 100 किसेस भेज रहा हूँ. तो वाइफ भी आगे कम नहीं, उसने जवाब दिया कि आपकी 100 किसेस मिल गई हैं, उनका हिसाब भेज रही हूँ. दो दूध वाला ले गया है,
दो विंडो क्लीनर ले गया और तीन माली ले गया, गार्डनर ले गया, और सब्जी वाला आया था उसे मैंने पांच किस्से देने की कोशिश की है, नहीं माना, आठ दे के जान छुड़ाई है। और सिद्धू का तो पूछो ही नहीं, रोज आता है दो तीन किस्से ले जाता है, पर घबराने की कोई बात नहीं, अभी भी 60 किस्से बकाया है, ये महीना आराम से बीत जाएगा। मैं प्रीस्ट के पास गया तो मैंने कहा मैंने माफ़ी मांगने आया हूँ, तो उसने कहा आपने क्या किया, मैं क्या 10 साल पहले ड्यूरिंग द वार एक लेडी ने मेरा दरवाज़ा खड़काया, सेव माई लाइफ, तो मैंने दरवाज़ा खोला, उसकी जान बचाई, तो मैं ये अपराध, उसने इसके बदले में मुझे प्यार दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ये मैं अपराध बख्शाने के लिए आया। तो उसने कहा आपने कोई अपराध नहीं किया, यू बोथ आर यंग, दीज थिंग डस हैपन। मैंने कहा पर मैं एक और भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो उसने प्रीस्ट ने पूछा क्या मांगना चाहते हो, मैं कह शुड आई टेल हर द वार इज़ ओवर आर नॉट। मैंने नोटिस किया मेरी वाइफ रोज़ जाती है ना अपना किचन में शुगर पॉट खोलती है चेक करके तो वापस आ जाती है, तो मैंने उससे पूछा भी रोज़ आप सुबह जाते हो शुगर का पार्ट चेक करके क्यों आ जाते हो, कहती है क्या करूं, डॉक्टर ने बोला है आपको डायबिटीज़ हो गई है, अपनी शुगर रोज़ चेक किया करो। हम मैं और मियाँ बीबी हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो ब्लड चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर कहने का कमाल है आप दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है, मैं क्या डॉक्टर साहब तुम आप इंटेलिजेंट हो, 10 साल हो गया मेरा खून चूसते हुए अभी एक नहीं। तो बाकी ये बड़ा अच्छा चैनल है, मैं बड़ा खुश हूँ, सिद्धू साहब को मैं ये भेजना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ कि उनका नाम है ज्योत, तो मैं कहता हूँ शेखर से साथ ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, शेखर के साथ ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, स्टार की मदद से सबको हंसाते चलो। स्टार की मदद से सबको हंसाते चलो और इनका दुख मिटाते चलो और इनसे आशीर्वाद लाके अपना स्वर्गों का रास्ता बनाते चलो और शेखर के साथ शिखर पे जाते चलो जाते चलो। थैंक यू वेरी मच। Hey, that was excellent, wasn't it? Yeah. What a great start. Yeah. I want to see what the judges think. Shazia, what do you think of it? I thought it was great. Yeah? Really good, really funny. For 71. Really good, funny. Brilliant. Well, Govinda, what do you think? I thought it was fantastic. What do you think? I really enjoyed it. Yeah? It was good. Pooja? I thought it was very good and he had very good comic timing. Good comic timing. That's what you need in this business because comedy is all about... Timing. Okay. So we'll see you in part 2.